हेलो एवरीवन, दिस साइड ऋषभ, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गुलजारबाग पटना 7 वर्कशॉप। सो लेट गेट स्टार्टेड। आप जैसे ही कॉलेज में एंट्री करोगे तो आपको ये होल्डिंग दिखेगा। चलिए हम वर्कशॉप की तरफ चलते हैं और ठीक बाई तरफ आपको एक बड़ा सा वर्कशॉप दिखेगा। जैसे हम वर्कशॉप में एंट्री करते हैं तो हमें टेक्निकल स्टाफ रूम देखने को मिलता है, जहाँ पे सारे टीचर्स रहते हैं। और फिर ये हमारा वर्कशॉप का एंट्री गेट रहा, जहाँ पे वेल्डिंग शाखा है, कर्मशाला है और मशीन शॉप है। आप देख सकते हैं, हम जैसे ही एंट्री करते हैं वर्कशॉप के अंदर तो हमें भगवान विश्वकर्मा का फ़ोटो मिलता है और हम यहाँ पे प्रणाम करेंगे और अपने वर्कशॉप की तरफ प्रस्थान करेंगे। हमारा कॉलेज सन 1954 में स्थापित हुआ था, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी पुरानी मशीनें हैं। ऐसा मशीन आपको किसी भी कॉलेज में नहीं मिलने वाली है, तो मैं आपको एक एक करके सारे मशीन दिखा देता हूँ। आप देखिए, और यहाँ पे हमारे शिक्षक क्लास ले रहे थे तो हम अपनी क्लास को अटेंड करेंगे। तो अभी हमारे शिक्षक हमें कुछ बता रहे हैं, आइए हम सुनते हैं। सेंटरिंग करने में प्रॉब्लम होता है, चारों जब तक ठीक से नहीं होगा ना, तब तक वहाँ सेंटरिंग ही नहीं। कुछ सर ना साइज के अनुसार जितना हमको इक्विपमेंट चाहिए उसके अनुसार कैसिंग होगा। पूरा खोलो, आधा दूर तक ले जाओ, दूर तक ले गया, देखो दूर तक ले तब खोलो सर, दूर तक ले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा किस तरीके से हमारा वर्कशॉप हो रहा है और स्टूडेंट किस तरीके से यहाँ पे अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबको टाइट करो, मैं आ चुका हूँ मोहित के पास, वो आपको बताएंगे इस मशीन के बारे में। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने मशीन पे आए और हम लोग देखिए किस तरह से सेंटरिंग किया जाता है इसमें, वो हम लोग जानेंगे। ये हमारा फोर्जा जाग जिसमें हम लोग सेंटरिंग करना सीखेंगे। ये हमारा जाग, उसके मदद से हम लोग सेंटरिंग मिलाएंगे। देखिए इसमें फोर जाग रहता है जिसको हम लोग एक एक करके कसते हैं और इसमें सेंटरिंग मिलाते हैं। और अब हम इसे टाइट करने के बाद यहाँ फेंसिंग का काम स्टार्ट करेंगे। If you want more such type of videos, then please like our video and subscribe our channel. Thanks for watching.